नमस्कार, आप इस सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले जगाधरी से। जी हां, आप सभी को जानकारी दे दें कि यमुनानगर के जगाधरी में ये जो लड़की है ये सामने आई और इसने ये कहा है कि सैलून की आड़ में, जी हां स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का काम करवाया जाता था, वहां पर जो है लड़कियों के साथ जो है गलत काम किया जाता था, जिसके बाद ये लड़की अपने घर से 3 दिन तक गायब रही और उसके बाद ये हिंदू संगठनों के पास पहुंची। क्या कुछ उसका कहना है ये जानते हैं। उसने कहा कि अगर तेरे को काम पे लगना है तो मेरे को बता दिया। फिर उसने राहुल से मिलाया, राहुल ने कहा कि वहाँ सैलून है सेक्टर 17 में, तो वो अपने साथ मेरे को लेके गया और वहाँ पे सैलून में उसने 2 दिन रखा। फिर जब मम्मी पापा फोन कर रहे थे तो उसने मोबाइल बंद कर दिया और जब 4 दिन बाद मोबाइल खुला तो जब पुलिस का फोन आया था तो उसने कहा कि अपने घर चली जा, नहीं तो फिर हम तेरे को मार देंगे। और तूने कहा कि उसने कहा, राहुल ने कहा कि कुछ नहीं बताना है वहाँ पे और कह देना है कि अपनी मर्जी से आई हूँ मैं। कौन है ये राहुल? मैम वो क्या नाम से जो वो क्या नाम जिसने गलत किया मेरे साथ। जिसने गलत किया थी? द ब्यूटी क्वीन। कहाँ पर है ये सैलून? सेक्टर 17 में। मैम राहुल लेने आया था मेरे को, मैं राहुल के साथ गई थी। राहुल के साथ किसने मिलवाया? शाहरुख कौन है ये? मैं इसको पहले से जानती हूँ, मैं इससे बात करती थी, मतलब ओनली बात करती थी सिर्फ। कहाँ का रहने वाला था ये? मादलपुर रोड में भगवानगढ़ रहता है। तो जब आप 3 साल उनका दोस्त था शाहरुख, मैम उसे तो पता होगा कि यहाँ गलत काम होता है। मैम वो कह रहा कि मेरे को पता ही नहीं है यहाँ सब ये होता है। सिर्फ आप ही के साथ? मैं और लड़कियों के साथ हो रहा था। और लड़कियों के साथ भी हो? मैम 2 दिन तो पार्लर में ही थे, फिर 2 दिन बाद उन्होंने स्पा में ले गए थे मैम। फिर राहुल ने मेरे साथ गलत किया, फिर और लड़कों को फोर्स किया मेरे साथ गलत करने के लिए, मैम मैंने करने नहीं दिया। क्या शाहरुख ने धमकी दी थी? उसने कहा था कि अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं तेरे को मार दूंगा। वो पुलिस का फोन आ रहा था तो उसी ने उठाया था, जो ओनर था जिसका नाम अजय है तो उसने उठाया था फोन, तो उसने कहा कि चली जा घर अपने और कुछ मत बताइए और कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से आए। तो मैम बयान में भी मैंने यही दिया, मैम उनके दबाव में आके मैंने ये बयान दिया कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और भी लड़कियाँ होती थी वहाँ पे कि बच्ची के साथ इस तरह से गलत काम, तलाश करने की कोशिश नहीं की बच्ची का? हम तो मैडम जी काम पे चले गए थे, जब आए तो ये घर पे नहीं थी। हमने अपने आस पड़ोस से पूछा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की 3 बजे की गई है। फिर जब हमने फोन मिलाया तो फोन इसका कोई ब्यूटी पार्लर वाली एक लेडीज ने उठाया। हमने कहा आप कहाँ से बोल रही हो? वो कह रही मैं 17 सेक्टर से बोल रही हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर वाली। उन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर वाली, आप बोले आपका ब्यूटी पार्लर कितने बजे तक चलता है? वो कह रही 8 बजे तक चलता है। हमने कहा 8 बजे तक चलता है, मुझे ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करवाना है, मेरी लड़की मेरे घर भेज दो। वो कह रही मैं नहीं भेजती, तुझे जो करना है वो कर लेना। हमने वही कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने फिर दोबारा फ़ोन मिलाया, हमने कहा ये कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई अपने बच्चे को काम नहीं करवाना चाहता, ये कोई ज़बरदस्ती, मैं नहीं काम करवाना चाहती हूँ, मेरी बच्ची मेरे घर भेज दो। वो कह रही मैं नहीं भेजती, ऐसे कैसे भेज दूँ, तुझे जो करना है वो कर ले। फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर 4 दिन तक मैडम जी फ़ोन नहीं खुला इसका। 4 दिन के बाद दोपहर में खुला, वो भी पुलिस से बात हुई। मैंने कहा उस दिन भी मैडम ने बोली मैं आंटी जी अपना लड़की ले जाओ, तुम्हारी लड़की सेफ। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे मान लूँ मेरी लड़की सेफ है? 4 दिन तक बाहर थी, मैं पुलिस वालों के साथ वहीं आके देखूंगी सेफ है या नहीं है। उन्होंने फिर इसको बुढ़िया चुंगी पे छुड़वा दिया। तो हम यही कर रहे हैं कि जो हमारी लड़की के साथ हुआ हो आगे किसी बहन बेटी के साथ ना हो, हमको इंसाफ चाहिए। चलिए ऐसा सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में क्या है कि अपने नगर में बार बार ये जो सेंटर चलते हैं इस प्रकार के, इन पर रेड होती है और कभी भी आज तक वो काम होते हुए उसमें दिखाई नहीं दिया जो उसमें होना चाहिए, उसमें कुछ और ही दिखाई दिया और उसके बाद भी धड़ल्ले से उसके उनको वो दिया जा रहा है परमिशन कि आप खोलिए। तो एक तो कोई कानून नाम की व्यवस्था है कि नहीं है समाज में। दूसरा, हमें ना अक्सर ये कहते हैं लोग ये तो हिंदू मुस्लिम और ये करने वाले लोग हैं। हम यहाँ जित शाहरुख को दोषी मान रहे हैं तो हम राहुल को भी यहाँ स्पेयर नहीं छोड़ रहे हैं, ये क्लियर हो जाए आप सबको, ये ना कहे कोई। लेकिन इसमें एक विषय है सोचने वाला, शाहरुख एक लड़की को जाल में फंसाता है, वो आगे उसको बेचता है
और आपको तो वो बच्ची बेचारी सहमी हुई है, छोटी बच्ची है, तो ये परिवार का धन्यवाद है तो दूसरे बच्चियों की रक्षा के लिए सामने भी आ गए, नहीं तो कोई सामने नहीं आता। उस बच्ची का शाहरुख ने पासपोर्ट तक बनवाने की योजना बनवाई थी कुछ, उसने हमें बताया जैसे कि। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये बहुत भयानक स्थिति है। आज 2 घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को लेकर चिंता व्यक्त की है और एक कठोर कानून की बात की है। तो इसलिए अपने यमुनानगर में जो स्पा वगैरह खुल रहे हैं इनका आधार क्या है, किस आधार पर? जी जी, जैसा ये तो रोज हो रहा है इस देश में, ये तो स्पष्ट है कि इस देश में लव जिहाद नाम की बीमारी है और वो आपके सामने है। एक लड़की को अपने जाल में फंसाता है, फिर वो आगे भेजता है, फिर उसके साथ क्या क्या नहीं होता। तो और वो भी लोग, ये हंस और कव्वे की दोस्ती जो है, हंस को लेके मरेगी, ये ध्यान रखना, कव्वा नहीं मरेगा, वो तो दुष्ट है। जो कव्वे और हंस की दोस्ती होती है इसमें हंस ही मरेगा। इसलिए जो लोग जो ऐसा कार्य करते हैं वो भी दोष के भागी हैं, वो कोई स्पेयर नहीं किए जा सकते जिस लड़की ने के साथ किया है, और जो इसका सूत्रधार है वो सब के सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिसके द्वारा ये दुष्ट। देखिए ये तो बच्ची ही स्पष्ट बता पाएगी कि कितने लड़के रहे होंगे किस प्रकार से, लेकिन हमें तो उसने यही बताया कि मेरे साथ गलत कार्य हुआ और मेरे साथ खड़े हुई है। अब गरीब के साथ इस देश में कोई खड़ा होता भी नहीं, पहले ये पुलिस के पास भी गए और पुलिस का वही रवैया जो कहते हैं। तो इसलिए पुलिस को जो मुख्यमंत्री जी हैं वो थोड़ा कसे इनको कि कम से कम इस तरह के मामले को, तो अगर तुम्हें नहीं पता, चलो हर आदमी के साथ पुलिस नहीं रह सकती, लेकिन जब तुम्हारे पास आ गया विषय तब आपने क्या किया? तब भी तो आपने वही किया जो नहीं आपके पास, इससे अच्छा तो आपके पास जाए ना, पुलिस के पास लोग जाए ना। तो इसलिए पुलिस हर आदमी की रक्षा नहीं कर सकती, ये बात ठीक है, लेकिन जो विषय पुलिस के संज्ञान में आ गया उसमें तो पुलिस ईमानदारी बरते ना। पंडित जी पुलिस ने तो कल से कार्रवाई प्रारंभ की है इसमें, जब थोड़ा हस्तक्षेप हुआ, धार्मिक संगठन आए, सामाजिक संगठन आए, कल इसका मेडिकल हुआ है। आप लड़की को सोच सकते हो, कंप्लेन तो पहले भी हुई थी लेकिन तब मेडिकल क्यों नहीं कराया गया, कल मेडिकल हुआ है। अब आप समझ तो क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तार किए गए हैं, हो चुके हैं नहीं है। अभी पीड़ित परिवार के लिए बिचारी जब से एक ही चीज गा रही है कि मेरे साथ तो हो गया, किसी और बच्ची के साथ ना हो, यही हमारा हेतु है। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे सभी से पहले जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहेगा, तो आप मुझसे हमको दीजिए इजाजत इन खबरों के लिए, बने रहे IB24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।